हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल ते जिसका नाम है रीत व्लॉग। सो अगेन व्लॉग शुरू किया है। अब आप लोग बोलोगे कि व्लॉग शुरू होकर मैं रेडी रहती हूँ और कहीं बाहर जाने की बात करती हूँ। सो गाइस, थोड़ा बहुत सामान जैसे एसेंशियल चीज़ें लेने के लिए जाना पड़ता है, तो मैं सोचती हूँ कि व्लॉग बना लूँ तब। और आज मैंने न्यू टॉप पहना है जो कि मैं अकेले खरीद कर लेके आई थी और आप लोग बताना कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा है ये। एंड अभी मिलवाती हूँ मम्मा से भी, मम्मा रेडी हो जाएं, फिर हमें जो है बाहर जाना है और थोड़ा थोड़ा बहुत सामान लेकर आना है, जो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, और राखी के लिए कुछ चीज़ें लेनी है। राखी की शॉपिंग का व्लॉग अभी थोड़ा रुक कर आएगा, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। बट फिलहाल मम्मा, हाँ जी, मौसम का की हाल है? बार मौसम बारिश होने वाली है, बस तैयार ही आ, बारिश होने आप निकलिए चले फिर। सो टाइम देख सकते हो 5 बजने वाले हैं और हम लोग जा रहे हैं बिग बाजार, जो कि 7:30 बजे तक ही ओपन है। तो जल्दी जल्दी से जो भी उठाना होगा उठा लेना, पैसे की कमी नहीं है। गाइस मजाक कर रही हूँ। एक टॉप ये कल खुद अकेले लेके आई है और 2 वहां पे पसंद करके आ गई है। अब मुझे साथ लेके जाएगी और फिर मेरे साथ भी जबरदस्ती करेगी। किस बात की जबरदस्ती? ये ले लो मम्मा, वो ले लो मम्मा। तो ले लेना यार जो आपको पसंद होगा। आज तो पहले जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप उनको कपड़े दिलाते हैं, है ना, बर्थडे पे दिला दिया, कोई खास दिन हुआ दिवाली पे दिला दिया। अब बच्चे बड़े हुए हैं तो अब माँ बाप को जबरदस्ती दिलाते हैं। तो खुशी भी होती है इस बात की कि चलो बड़े हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। तो ये देख सकते हो मैं बिल्कुल बाहर जाने के लिए रेडी हूँ। ये है आजकल का न्यू नॉर्मल, ठीक है। इस मतलब ऊपर का पूरा मेकअप कर लिया, हेयर स्टाइल बना लिया, नीचे मैंने लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। क्या फर्क पड़ता है, आओ कौन सा दिखना है ना। बाय द वे मेरा मास्क जो है कैसा लग रहा है टॉप के साथ? बिल्कुल मैचिंग है ना। ये कोइंसिडेंस हो गया। वैसे तो एक तरह से फायदा भी है ना, जो मेकअप आया बंदे का, है ना? हाँ, मेकअप का टाइम बच जाता है, ये बात तो है। मास्क लगाओ और निकलो, कोई तैयार होने की टेंशन नहीं है। अभी बोल रहे थे मम्मा के तैयार होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये लास्ट मिनट प्रेपरेशंस हो रही हैं गाइस। तो जितनी भी हाउसवाइफ होती है वो ये काम लास्ट में ही करती है। हाँ मम्मा, रोज लगा लेना, अगर रोज ही उतर जाएगी, क्योंकि बर्तन धोते टाइम और कपड़े वगैरह वॉश करते टाइम खराब हो जाती है, है ना अम्मा? हाँ, इत्तो से तो नेल है मेरे। हाँ, एक हाथ के मम्मा के बहुत छोटे नेल हैं। चलो भाई जल्दी करो। सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं, ये है सिल्वर आर्क और ये बिग बाजार जहाँ पे हमें जाना है। और अभी हम ये स्टॉल एक्सप्लोर करते हैं, मम्मा को देखना है यहाँ पे क्या क्या होता है। चलो नहीं, पर ट्रैवलिंग ले जाना हो फिर चलिए नीचे चले। गाइस ये देखो, मुझे ऐसे धमकियां मिलती हैं कि अगर मुझे ना घर जाके पसंद नहीं आया तो तू ले लेना। ये बात गलत है भाई, अपने हिसाब से पहले पसंद करके देखो। ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको, दिखाना। इसमें साइज अगर हमें प्रॉपर मिल जाए ना, कलर भी ये बेट अच्छा है, मतलब वो वाला अपनी जगह है, ये वाला अपनी जगह है। कलर है। अब क्या देख रहे हो, कलर शेड देख रही हूँ कलर। मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है वैसे। ये वीडियो में देखो मम्मा, लाइट बहुत लग रहा है कलर इसमें, देखो वीडियो लाइट लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में सही है वो कलर। हाँ, लाइट ब्राउन है ये, लाइट ब्राउन, ये फिर ब्लैक ही कर देना, रहने दो। मैं देखती हूँ कौन सा है, ये कैरेमल लिखा हुआ है, टॉपसी कैरेमल, बिल्कुल। अपने चुंडी शांडी लग जाती है ना, ओके वास्ते 1 लीटर पानी की 1 चमचा पानी। चुंडी नहीं है, वाइट कलर का जड़ा कीड़ा, समझ गई, ओके वास्ते जड़ा पत्ते दे नीचे लग जाता है, समझ गई मैं, समझ गया, ओके वास्ते है।
सॉरी गाइस, कल जो है मैं उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। एक्चुअली हम लोग जो है बहुत ज्यादा थक गए थे, तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार अब नेक्स्ट डे करूंगी, क्योंकि मन नहीं कर रहा था। और सामान वगैरह भी मैंने आपको काउंटर पे दिखाई दिया था, हर व्लॉग में क्या दिखाती हूँ सामान, वही सब चीजें, ठीक है। तो आज जो है ना, मैंने आप लोगों ने व्लॉग अगर देखा होगा तो रास्ते में रुककर हमने ना एक मेडिसिन ली थी, जो कि मम्मा, अगर आपको पंजाबी में समझ आया होगा तो मम्मा उनको बता रहे थे कि कोई कीड़ा लगा हुआ है हमारे प्लांट्स को। आपको पता होगा मम्मा पापा को बहुत ज्यादा शौक है प्लांट्स वगैरह लगाने का, तो हमारे प्लांट्स को ना समटाइम्स एक व्हाइट कलर का मिली बग करके उसको बोलते हैं, कीड़ा लग जाता है। मैं आपको अभी ऊपर जाती हूँ तो दिखाती हूँ कि वो किस तरह का होता है। बहुत ही वियर्ड और बहुत ही चिपचिपा सा कीड़ा है वो, तो वो अक्सर ही लग जाता है, बिकॉज वो ना अपने बाद में जो है मर भी जाता है, तो उसके एग्ज वगैरह जो है वहीं पे रह जाते हैं। तो बहुत घरेलू नुस्खे हमने अपना के देख लिए उस चीज़ के ऊपर, वो हटता ही नहीं है। वी ट्राइड एवरीथिंग, यू नो, नीम वगैरह का तेल हो गया और कपूर हो गया, बहुत कुछ ट्राई करके देख लिया। सो हमें ये मेडिसिन ही लेकर आनी पड़ती है। एंड ये मेडिसिन का नाम तो नहीं मैं बताऊंगी, बिकॉज इट्स क्वाइट डेंजरस एंड यू नो पॉइजनस मेडिसिन, सो दैट इज वाई मैं नाम नहीं बताऊंगी। बट हाँ, हमारे पास में यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हम लोग वहां से जाके लेके आते हैं, एंड वो बच्चों को नहीं देते हैं, साथ में कोई बड़ा होता है तो ही वो मेडिसिन आपको मिलती है। तो ठीक है, ये होगी अलग बात। एंड वो मैं और पापा ने जो है डिसाइड किया है कि ये चीज जो है, ये काम भी पहले खत्म कर लें, क्योंकि अदरवाइज वो सारे प्लांट्स को डैमेज करता रहेगा। तो आज हमारा मोटिव है उस चीज को खत्म करना। पापा वो पंप लेने गए हैं जिससे दवाई, यू नो, जिसका जिससे छिड़काव किया जाता है ना मेडिसिन का, तो वो पंप लेने गए हैं पापा अभी मार्केट से, वो लेकर आते हैं, तो हम वो काम शुरू करेंगे। बैठे बैठे मेरे माइंड में यही बात आ रही थी कि यार, जैसे प्लांट्स को कीड़ा लग जाता है हम दवाई लगा देते हैं, लकड़ी को कीड़ा लग जाता है जिसको दीमक बोलते हैं उस पर भी हम दवाई डाल देते हैं, बट लेकिन कुछ लोगों के जिनके दिमाग में कीड़ा लगा होता है उसका क्या इलाज है, है ना। तो यही यार, जैसे मतलब कहीं पे भी कीड़ा लगता है हम फटाफट से दवाई डाल के उसको हटा देते हैं, पर दिमाग के कीड़े को कैसे हटाया जाए। मैं पर्सनली इस चीज को, यू नो, कुछ ऐसे लोग मुझे सोशल मीडिया पे बहुत मिलते हैं, मैं अपने प्रोफाइल की बात नहीं कर रही, अपनी यूट्यूब वीडियोस की बात नहीं कर रही, और बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, पब्लिकली अपना कंटेंट अपलोड करते हैं, तो उनकी वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स आए होते हैं ना, पर्सनल कमेंट्स उनको आ रहे होते हैं, लेकिन वो इफेक्ट, वो चीज़ भी इफेक्ट जो है ना मुझे करती है, क्योंकि पता, मैं सोचती हूँ यार लोग कैसे कैसे हैं यार लोग, मतलब कोई बंदा अपनी लाइफ के बारे में अगर कुछ शेयर कर रहा है बिना उसकी पूरी बात सुने, हम उसको जज कर लेते हैं, हम उनको कुछ भी इतना मीन लिख देते हैं, इतना मीन लिख देते हैं ना। बीइंग अ गर्ल, मुझे पता है कि मुझे कैसे कैसे कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। बीइंग अ गर्ल यू कैन, ये मतलब पता नहीं यार, लड़कों की शायद अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती होंगी, लड़कों को भी आते हैं मीन कमेंट्स, एंड दैट टू आर वेरी वेरी बैड। बट लेकिन यू नो, हर वक्त हमें बोला जाता है कि आप लोग यूट्यूबर्स हो, आपकी चमड़ी जो है थोड़ी मोटी होनी चाहिए, कोई कुछ भी बोल दे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर है तो इंसान ही ना, हम लोग कोई रोबोट्स नहीं है, फीलिंग्स हमारे अंदर भी हैं, इमोशंस हमारे अंदर भी हैं। आप लोग 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट देखते हो हमारी लाइफ के, एंड उस 10 मिनट में से ही आप लोग पूरी हमारी लाइफ का आगे पीछे का, यू नो, सब लिख लेते हो कि यहाँ के कीड़े का क्या इलाज है, जो लोग ऐसे हैं यार। चलो छोड़ो, खैर, प्लीज बुरा मत मानो मेरी बातों का, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ कुछ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो ऐसे हैं थोड़े, और वो हैं यार, मतलब वो, मतलब आई फील बैड फॉर देम एक्चुअली समटाइम्स, के मतलब यार वो, उनके दिमाग में हर वक्त ऐसी ही चीजें चलती रहती हैं। एंड बातें कर लिया बहुत ही ज्यादा, 6 मिनट की वीडियो ये हो चुकी है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। एंड अभी चलते हैं फटाफट, अब पापा आए नहीं है अभी, बाय द वे, उनको आ जाने दो, बाकी की बातें फिर करते हैं। डैडी, मैं आ गया, डरा दिया, रुको एक सेकेंड, ले आए बम्प, ये एक सेकेंड गाइस, महंगा सी 270 रुपये दा दी, और ये कितने का मिला? 60 रुपये। मैंने सबको बोला कि आप वो पंप लेने गए हो दवाई छिड़कने वाला, एक दो बार तो छिड़कनी है साल में, फिर इतना, हाँ, वो खर्चा करने का, सही है, सही है, सही है, ये आधा लीटर का है, सही है, वैसे उन्होंने 1 लीटर में बोला था, फिर हम क्वांटिटी हाफ कर देते हैं, आधा ढक्कन पा लेंगे। चलो करो, बनाओ मेडिसिन, चल देखो ये वाला है, ये हाथ मत लगाओ पापा, गाइस ये देख सकते हो आप, दिस इज द कीड़ा जिसकी मैं बात कर रही थी, इसको चलेगा भी, इसको मिली बग बोलते हैं, एंड ओ माय गॉड, ये पत्ते ते बैठ जांदा,
हाँ, और ये पूरा खाता रहता है पत्ते को, मतलब ये आप देख रहे हो ये पत्ते कैसे रोल हुए हुए हैं अंदर को, तो इसका रीजन यही है कि इनके ऊपर भी वो है कीड़ा लगा हुआ है। वो देखो यहाँ बैठा हुआ, वो बैठा हुआ देखो, ये जो पत्ते ऐसे रोल होने लग जाते हैं ना, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो आप लोग नीचे बैठ जाते हैं, कीड़े इसके नीचे बैठ जाते हैं, और वो पत्ते की पूरी जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो पत्ते, हाँ, जो इनका फूड होता है वो ये खाते रहते हैं, दैट इज वाई फिर पत्ते में जान नहीं बचती। तो चलो अब बाकी का काम करते हैं। देखो गाइज, एक ये देखो, ये भी बैठा हुआ है एक। सो ये मतलब ना, मैं ये पूरा प्लांट अगर देखने बैठूंगी ना, ओ माय गॉड, लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस, दिख रहा है आपको इतने ज्यादा। और ये पता कैमरा के जूम करने के कारण दिख रहे हैं। वन सेकेंड, ये देखो, ओ माय गॉड, लुक एट देम। वन सेकेंड, अभी और दिखाती हूँ। ये तो था नीचे वाली, और ये देखो गाइस ऊपर वाली। अरे फोकस हो जा रे, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, प्लीज तुम लोग भाग सकते हो तो भाग जाओ, तुम्हारी बहुत बुरी लगने वाली है अभी। इफ यू कैन रन, प्लीज रन फास्ट। जो रस चूस लेंदे ने दस्ताने पा लो, थोड़ी नहीं पौने नहीं है, अद्धा ढक्कन इतनी आईडी ने पता। बस 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 बस, बहुत ज्यादा ही है गाइज, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है ना, मतलब मैं काफी दूर खड़ी हूँ तो यहाँ तक मुझे उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है। और एक चीज मैं और नोटिस कर रही हूँ, जिस पे ये कीड़ा लगा हुआ है उस प्लांट के ऊपर ना कीड़ियाँ भी बहुत आ रही हैं, चींटियाँ बहुत आ रही हैं। वो रीजन मतलब पता नहीं, नेट पे मर जाता होगा जो, तो फिर उन्हें खाने लिए चींटियाँ आ रही हैं। मरा नहीं है वो, उन्हें उसको हाथ लगा के देखो, चलता है वो आगे को, चलता है, खाज बहुत करता अगर हाथ पे, हाँ, खारिश होने लग जाती है। वो देखो चींटियाँ कैसे गिर रही है नीचे, पता नहीं क्या रीजन है, मतलब जहाँ ये है वहाँ चींटियाँ भी आ रही हैं। ऑलराइट, सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ नीचे, एंड पापा भी अभी आ रहे हैं, हैंड्स वगैरह वॉश कर रहे हैं, मैंने हैंड्स अच्छे से वॉश कर लिए, अब हम पियेंगे चाय। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो पेट लवर्स हैं या फिर प्लांट लवर्स हैं, पेट लवर इसलिए बोला क्योंकि ये भी अपने बच्चों की तरह ही होते हैं, जैसे हम अपने पेट्स को बच्चों की तरह रखते हैं, प्लांट्स की भी एज इट इज ही केयर करनी पड़ती है। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो उन पर अटैक करती है तो दुख लगता है, क्योंकि मेहनत लगी होती है गाइज इनको ऑर्गेनाइज करने में, एंड दूसरे नंबर पर पैसे भी लगे होते हैं। सो दैट इज़ वाई जब ये खराब होने लग जाते हैं तो होता है कि यार इनको बचा लो, कहीं सारे के सारे ही ना खराब हो जाएं। तो सेम चीज है, जैसे टिड्डी दल का हमला हुआ था वैसे ही हमारे प्लांट्स के ऊपर मिली बग का हमला हो गया, एंड अभी होपफुली हमने खत्म कर दी है वो चीज। और आपने देखा ही होगा कितनी गंदी सी है वो, ही मैंने तो फर्स्ट टाइम आज जो है इतने अच्छे से, मतलब इतनी क्लियरली देखी है, अदरवाइज मैंने इंटरनेट के ऊपर ही देखी थी और मम्मा उन्होंने सुना ही था, लेकिन मैंने आज जो एक्चुअल में देखी है और मुझे मतलब बड़ा अजीब सा हो गया। मैंने अब अगर खुद से देखी भी है ना, तो ऐसे ऊपर ऊपर से मैंने ऐसे देख लिया कि हाँ वाइट वाइट सा कुछ लगा हुआ है, लेकिन आज कैमरे से ना वो बहुत बड़ी बड़ी दिखी है, तो क्लियरली पता चला कि वो क्या चीज है और किस तरह से वो अटैक करती है। तो हो फाइनली अब फ्री हो चुकी हूँ, पीते हैं चाय, एंड ये व्लॉग को यही एंड करती हूँ, बिकॉज इसमें मैंने बहुत बातें कर ली और ये व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो गया। तो मैं मिलती हूँ अब आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, टेक केयर, बी सेफ, एंड डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज, एंड डोंट फॉरगेट आवर फंडा, अ लिटिल मोर काइंडनेस, अ लिटिल लेस जजमेंट। बाय।